अस्सलाम वालेकुम। आज की इस डेमो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी स्पोर्ट्स की शॉप है, आप स्पोर्ट्स का बिजनेस करते हैं, आपकी होलसेल या रिटेल शॉप है, तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को हमारे इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। अपना डेली का प्रॉफिट, लो स्टॉक क्या रखा हुआ है आपके पास, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या टाइम ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है जी, मुकम्मल सिस्टम आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी आपको अवेलेबल होगा। इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं और हर यूज़र को परमिशन अलाउ कर सकते हैं और हर यूज़र को राइट्स दे सकते हैं। मीन्स के मुकम्मल कंट्रोल आपके पास होगा यूज़र का कि क्या कर पाए क्या ना कर पाए। सिस्टम में लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम हम एडमिन देते हैं और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट वन देते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सिस्टम में जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक डैशबोर्ड आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हम किस तरह से आइटम ऐड करेंगे, ठीक है जी। उसके लिए हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। उससे पहले अगर हम आइटम को मल्टीपल आइटम भी ऐड कर सकते हैं और आइटम्स को एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ रहा है। देखिए अब कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज हमने बनाई हुई, जैसे कि देखिए क्रिकेट्स बैट्स आ गया, बॉल्स आ गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी आ गया, ठीक है जी, हेलमेट आ गया, किट आ गया, शर्ट्स आ गया। इस तरह अपनी कैटेगरीज प्लस पे क्लिक करें, नई कैटेगरी बना रहे हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं टेनिस बॉल्स, ठीक है। इस तरह से अपनी कैटेगरी बना लेंगे। अब एक आइटम ऐड करते हैं, यहाँ पर कैटेगरी चूज करते हैं क्रिकेट बैट्स, और देखिए अगर उसका बारकोड है तो आप बारकोड स्कैन कर दें, नहीं है तो अपना बनाना है तो ऑटो जनरेट बारकोड पर क्लिक करें, सिस्टम आपके लिए बारकोड बना देगा। प्रोडक्ट नेम लिखते हैं जी, फर्ज करें हमारे पास MB मलिक बैट शेर अमीन, और इसका हम वेट लिख सकते हैं कि कितने LB है, फर्ज करें 4 LBS है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसके बाद देखिए हमारे पास है मैन्युफैक्चर, मीन्स कि किसने इस आइटम को बनाया है। देखिए अगर MB मलिक ने बनाया, हमारे वहाँ पर MB मलिक चूज़ कर लेंगे। मैन्युफैक्चर भी आप प्लस पे क्लिक करें, नया मैन्युफैक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सप्लायर कौन है जी, मीन्स ये कौन माल सप्लाई करता है आपको, ठीक है। फर्ज के हसन स्पोर्ट से हम सामान लेते हैं। पैकिंग क्या है इसके, देखें पैकिंग क्या आती है, जैसे कि अगर बॉल्स डेस्क में एक डब्बे में 10 बॉल्स होती हैं, 20 बॉल्स होती हैं, तो जो बैट होता है वो एक ही होता है, तो हम एक सी पैकिंग एक ही रखते हैं। कॉस्ट कितने रुपए का आपको बैट आ रहा है, फॉर लेट्स सपोज हमें ये बैट आ रहा है जी 14,000 रुपये का कॉस्ट आ रही है, सॉरी 14,000 की में कॉस्ट आ रही है, और हम इसको सेल करेंगे जी 16,000 रुपये का। स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितने इसके पीस अवेलेबल है, मैं कहता तो मेरे पास 2 पीस अवेलेबल है। अलर्ट क्वांटिटी कितने पीस रहेंगे, सिस्टम आपको अलर्ट शो करे। उसके बाद एक और अहम चीज़, अगर आप होल सेल का काम भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं अगर आपके कस्टमर होल सेल के हैं तो उनको आप रेट अलग सेव करें उनके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करिए अगर मैं कहता हूँ मुझे, मेरे पास अगर होल सेल पर कस्टमर लेता है तो मैं उसको यहाँ पे 15,500 रुपये रेट लगा दूंगा, ठीक है, अगर वो मेरे से होल सेल पर रेट लेता है, ठीक है जी। तो ये सिस्टम में आप रेट सेव कर दिया आपने, और यहाँ पर आपके पास आपने इसको फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, अगर फ़ोटो अटैच करनी है फ़ोटो भी अटैच कर सकते हैं, तो उसको हम सेव कर देंगे। इस तरह से प्रोडक्ट हमारा ऐड होता है, जो भी प्रोडक्ट हमारा ऐड होता है वो लिस्ट के अंदर शो हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है जी, बॉल्स वगैरह, रैकेट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं। फर्ज करें हम एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास क्रिकेट जो है, हमारे पास बॉल्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम क्या है, फर्ज करें ये है CA बॉल टेस्ट, CA टेस्ट क्रिकेट बॉल लेदर, ठीक है जी। उसका कोई कोड है लिखते हैं आगे CA 100, लेट्स सपोज। तो उसके बाद इसका मैन्युफैक्चर CA स्पोर्ट्स चूज़ कर लिया, सप्लायर कौन है। अच्छा इसके बाद देखिएगा इसका कलर भी लिख लेते हैं रेड है। अच्छा इसके बाद इसकी पैकिंग क्या है, अब देखें एक डब्बा होता है बॉल्स का, लेट्स सपोज उसमें 6 गेंदें होती हैं, हम यहाँ पैकिंग 6 की लिख देंगे। अब मुकम्मल जो डब्बा है उसकी कीमत लिख देंगे, फर्ज करें मुकम्मल डब्बा हमारे पास 2,000 की कॉस्ट है और 2,500 का हम डब्बा सेल करते हैं बॉल्स का, तो 2 डब्बे अवेलेबल हैं तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे, ठीक है। मेरे पास 12 गेंदे अवेलेबल हैं, 2 डब्बे हो गए। अलर्ट अलर्ट क्वान्टिटी लिख देंगे आप, और इसको हम यहाँ पर होलसेल प्राइस भी दे सकते हैं कि हमने किस रेट पर जो है ना कस्टमर्स को होलसेल रेट पे देना है, तो वो भी हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लेट्स पर होलसेल पे हम 2400 लगा लेते हैं, इसको सेव कर दें। अच्छा इस तरह आपके देखिए आइटम सेव हो चुकी हैं दोनों, किसी भी आइटम को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। चलते हैं जी सेल किस तरह करेंगे, सेल के लिए सेल भी क्लिक कर देंगे हम। अच्छा यहाँ पर आपके पास उधार सेल भी कर सकते हैं, कैश सेल भी कर सकते हैं, कस्टमर आप कैश सेल कस्टमर को बना सकते हैं, और किसी कस्टमर को सेव करना हो तो उसको भी सेव भी कर सकते हैं, और लिस्ट में से उसको चूज़ भी कर सकते हैं। फर्ज करिए असलम अली है, उसका नेम एड्रेस उसका प्रीवियस बैलेंस आपका खाता वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब मेरे पास अगर
आइटम का बारकोड है, मैं बारकोड स्कैन कर दूंगा, तो मेरे पास अगर उसका बारकोड अवेलेबल होगा तो मेरे पास बारकोड स्कैन हो जाएगा। देखिए मेरे पास एक, मैंने स्कैन किया, मेरे पास एमबी मलिक का बैट आ गया, ठीक है, मैंने बारकोड स्कैन किया। अगर मैं इसको मैनुअली सर्च करके सेल करना चाह रहा हूँ, बारकोड नहीं है, तो देखिए मैं लिख लूँगा आइटम नेम एमबी मलिक, बहुत आसान है। देखें मुझे सिस्टम बता रहा है मेरे पास 2 स्टॉक में अवेलेबल है, 16,000 रुपये इसकी रिटेल है, ठीक है जी, मैंने ऐसा कर दिया। अच्छा इसके बाद हमने इसको कितने पीस सेल कर रहे हैं, क्या रेट चेंज कर, रेट चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट परसेंट कितना देना है, ठीक है जी। फर्ज करें हमने इसको वुल से रेट पे देना है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दें, इसको वुल से रेट लगे देगा, देखें 15,500 रुपये वुल से रेट लग गया। तो इस तरह अपने सिस्टम को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फर्ज करें हमने इसको क्रिकेट सी ए टेस्ट क्रिकेट बॉल, देखें अब हमारे पास एक बॉल का रेट आ गया 416 रुपये, ठीक है जी। और इसके अगर हम इसको डिटेल चेक करते हैं, हमारे पास सिस्टम बता रहा है 12 बॉल्स अवेलेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास 2 पैक अवेलेबल हैं, इसके 2 डब्बे अवेलेबल हैं, 2500 रुपये मुकम्मल डब्बे का रेट है, 416 रुपये एक बॉल का रेट है, ठीक है जी। तो ये काफ़ी सिस्टम आपका आसान हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टॉक हमारे पास डब्बे में अवेलेबल है, वैसे अवेलेबल है। पर लेकिन कस्टमर कह रहा है मुझे 3 बॉल्स दे दें, ठीक है, 3 बॉल बन जाएंगे 1250 रुपये के। बैट में अगर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं फर्ज के, मैं कहता हूँ उसको मैं 20 रुपये 50 रुपये डिस्काउंट दे, तो मैं 50 रुपये डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है जी। उस कस्टमर कितने पैसे पे कर रहा है, कस्टमर लेट्स पर हमें कस्टमर 1800 रुपये पे कर रहा है, कस्टमर को मैं 800 रुपये बकाया देना है, कस्टमर लेस पे कर रहा है तो उसके खाते में चले जाएंगे, ठीक है जी, वो उधार सेल भी कर सकते हैं आप। अच्छा जी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, यस। अच्छा जी प्रिंट करेंगे, अगर प्रिंटर लगा होगा तो डायरेक्ट आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप बिल को पीडीएफ में, एक्सेल में, इमेज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये खूबसूरत सी स्लिप आ जाती है, इसको आप फुल पेपर साइज भी दे सकते हैं और थोड़ी जो थर्मल पर्ची है वो भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास शॉप का नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सेल टाइप आ जाएगा, यूजर का नेम आ जाएगा, किस टाइम हमने सेल की वो शो हो रहा है हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या क्या आइटम हमने सेल की, देखिएगा। अच्छा उसके बाद सबसे पहले इसका बारकोड साथ शो कर रहा है आइटम का, एमबी मलिक बैट शेयर अमीन स्टार एल बी, हमने 16,000 रुपये का इसका रेट था, 1 पीस सेल किया, 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया, 15,950 रुपये रेट का रेट लग गया। उसके बाद सी ए टेस्ट क्रिकेट बॉल्स हमने 416 के हिसाब से 3 बॉल्स सेल की, 1250 हो गया। उसके बाद देखिए ग्रोस टोटल इसका साथ 17,250 था, 50 डिस्काउंट हुआ, 17,200 रुपये इसका टोटल हो गया, 1800 रुपये पे किया कस्टमर ने, उसका बैलेंस 800 रुपये बच गया बाकी। देखिए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि इतनी गारंटी है, इतने बाद देर बाद रिटर्न होगा, कुछ भी आपने लिखना हो तो आपके नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सेल हिस्ट्री अगर चेक करते हैं हम, किसी भी बिल को हम देखें व्यू कर सकते हैं, रीप्रिंट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर, उसमें तब्दीली कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास होता है और हम मुकम्मल कंट्रोल किसी कैशियर को या खुद को दे सकते हैं, ठीक है जी, मुकम्मल आपकी सेल हिस्ट्री बनती रहती है। चलते हैं जी हम किस तरह से परचेजिंग ऐड करेंगे, जो नया माल हमारे पास आता है हम वो किस तरह से ऐड करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे, हमारे पास क्या स्टॉक अवेलेबल है, क्या सेल हुई है हमारी, वो भी आपको चेक करवाएंगे। अच्छा जी परचेजिंग के लिए हम परचेज पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर वेंडर इनवॉइस नंबर है, अगर आपको सप्लायर जो है माल सप्लाई करता है उसका इनवॉइस नंबर लिखा है तो आप इनवॉइस नंबर लिख दें, नहीं तो आप कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं। लेट्स सपोज 1234 इनवॉइस नंबर है, ये मैंने लिख दिया। सप्लायर चूज करें किससे माल ले रहे हैं, फर्ज कर हम ले रहे हैं जी हसन स्पोर्ट्स से, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या क्या सामान से ले रहे हैं, हमारे पास 2 आइटम सेम हम कह रहे हैं जी, एम बी मलिक के देखिए हमारे पास 2 बैट थे, एक रह गया, ठीक है। सी ए क्रिकेट बॉल हमारे पास 12 थी, 3 सेल की, 9 रह गए, ठीक है। इस तरह स्ट्रोक आपका मेंटेन होता रहेगा। फर्ज करें हमने एम बी मलिक का जो बैट है हम किस किस रेट से ले रहे हैं, रेटें भी चेंज कर सकते हैं, हम ये ले रहे हैं जी, मैं इससे 5 ले रहे हैं, ठीक है जी। और डिस्काउंट भी आप डिस्काउंट आया आपको लिख सकते हैं, बोनस आया वो लिख सकते हैं, इसका टैक्स वगैरह लगा तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम सी ए क्रिकेट बॉल्स हैं जो हमारे पास, ये हम ले रहे हैं जी 2 डब्बे ले रहे हैं ओपन जीत, ये हम सेव कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये हमारे पास सेव हो गया। अब इसका जो परचेजिंग है इसका बिल भी हम सिस्टम बता देगा, ये चीज़ें हमने परचेजिंग की है उसका बिल भी आपको बना देगा, देखेंगे ऑटोमेटिक बिल बना दिया उसने, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये देखें अमीर मलिक का बैट हमने 14,000 के हिसाब से 5 परचेज किए, सी ए टेस्ट क्रिकेट बॉल्स आपने 2 परचेजिंग की, ठीक है जी। तो मुकम्मल आप सिस्टम मैनेज करके चेक कर क्यों क्यों, ठीक है जी, मुकम्मल सिस्टम मैनेज कर सकते हैं आपके पास स्टॉक। अच्छा चेक करते हैं हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट्स आप पे आ जाते हैं, हम स्टॉक रिपोर्ट चेक करते हैं हमारे पास स्टॉक में क्या क्या आइटम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक उसने मैन्युफैक्चर वाइज रिपोर्ट बना दी है, देखें सी एक्स सी एस स्पोर्ट्स के आपके पास ये आइटम अवेलेबल है, कितने स्टॉक में अवेलेबल है आपके पास और किस मालियत का स्टॉक इसका अवेलेबल है, ठीक है। और हमारे पास देखें 21 पीस सी ए बाल के अवेलेबल हैं,
उसके बाद हमारे पास जो बैट है वो हमारे पास 6 अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है। परचेजिंग ऐड की स्टॉक प्लस हो गया हमारा, टोटल हमारे पास 8400 का स्टॉक अवेलेबल है, 9600 का एस्टिमेट सेल होगा, और हमारे पास इसका जो प्रॉफिट हो सकता है इसने वो भी हमें एस्टिमेट बता रहा है। उसके बाद मजीद रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, स्टॉक की काफ़ी रिपोर्ट्स है, देखिए लो लेवल रिपोर्ट्स है, टॉप सेलिंग आइटम रिपोर्ट है, क्या क्या आइटम ज़्यादा सेल हो रही हैं, ठीक है, एडवांस रिपोर्ट है, मुकम्मल आपको रिपोर्टिंग सिस्टम इसमें मिल जाएगा। पर इसके लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ दिखाया जी हमारे पास क्रिकेट बॉल्स में क्या अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उसने बताया क्रिकेट बॉल में हमारे पास सिर्फ सी ए टेस्ट क्रिकेट बॉल अवेलेबल है, अपने आइटम हमने सेव की, इसलिए मुकम्मल आपके पास फंक्शन एफर्ट्स के लिए मैं देख। कोई कस्टमर कहता है कि भाई मुझे ना ऐसा करें कि एम बी मलिक के बैट्स मुझे बताएं आपके पास कौन से अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे क्या किया एम बी मलिक चूज़ कर लिया, ठीक है, और मैंने कैटेगरी में क्या कर दिया क्रिकेट बैट्स चूज़ कर लिया, मुझे सिर्फ एम बी मलिक के क्रिकेट बैट्स शो करेगा, ठीक है जी, ये मैंने चूज़ कर लिया, सबमिट कर दिया, ये देखिए इसने बता दिया एम बी मलिक के आपके पास ये सामान अवेलेबल है, तो कितना आपके लिए आसान हो गया देखिए, ठीक है, कितना आपके लिए आसान हो गया आप सिस्टम कस्टमर को बताना कि मेरे पास ये सामान अवेलेबल है। उसके बाद देखें हम चलते हैं फिर सेल रिपोर्ट की तरफ, जो हमने सेलिंग की है, ठीक है, सेल रिपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, डेली रिपोर्ट निकाल सकते हैं, हफ्तावार, महीनावार, मुकम्मल रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक रिपोर्ट बन गई है, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, देखिए हम कुछ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। देखें इन्वेस्ट नंबर 1 एम ई मलिक का बैट आपने 16,000 के हिसाब से सेल किया, एक सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ जी 1950 रुपये। उसके बाद हमने क्रिकेट बॉल सेल की 3, हमारे पास 250 रुपये प्रॉफिट हुआ, और मुकम्मल आज की सेल हमारी 17,200 रुपये की सेल हुई, 2,200 रुपये का हमें मुनाफा हुआ। उसके बाद देखिए और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, आपको सेल एडवांस रिपोर्ट में आ जाते हैं, आपको इसी तरह सेल की रिपोर्ट देखे मिल जाएगी मुकम्मल। आप देखना चाह रहे हैं किस कस्टमर का रिपोर्ट देखनी है, किस कस्टमर को सेल किया, किसी मैन्युफैक्चर की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि किस मैन्युफैक्चर के हमने सेल किया, मुकम्मल देखिए आपके पास कंट्रोल अवेलेबल होता है, ठीक है। ये देखें इनवॉइस पर आपको रिपोर्ट शो कर रहे हैं, तो मुकम्मल एक सिस्टम मौजूद है हमारे पास। परचेजिंग रिपोर्ट है, क्या क्या चीज़ें हमने परचेजिंग की आज, देखिए हमने परचेजिंग ऐड की थी आज, तो उसकी ने बता दिया सिस्टम है ना क्या क्या चीज़ें आपने। देखिए हमारे पास असेंट स्पोर्ट्स से हमने लिया जी मलिक का बैट 5 लिए, फिर हमने बॉल्स ली 2, टोटल हमारे पास 74,000 रुपये की मैंने परचेजिंग की आज, तो मुकम्मल देखें काफ़ी रिपोर्ट्स है, कस्टमर रिपोर्ट है, कस्टमर लेजर रिपोर्ट है, कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट है, कस्टमर को क्या क्या चीज़ें हमने सेल की, अकाउंट्स रिपोर्ट है, ठीक है, अदर रिपोर्ट्स है, टॉप सेलिंग आइटम रिपोर्ट है, क्या क्या आइटम ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन डिस्कस कर लें, देखें मैनुफेक्चर कैटेगरी एक्सपेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने, ठीक है, अगर हम होलसेल काम कर रहे हैं, आपके सेल्स मैन ऑर्डर बुकर हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सिटी एरिया वगैरह, स्टॉक वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हैं, स्टॉक के अच्छा बारकोड निकाल सकते हैं, एक अहम चीज़ बारकोड, किसी आइटम पर अगर बारकोड नहीं है तो उसके अपने बारकोड आप बनाकर उस पर लगा सकते हैं, ठीक है जी, प्रिंट पे कर सके, कोई भी साइज चूज कर लें, किस साइज़ का बारकोड निकालना है आपने, तो वो आप उस पर देखें, एक बारकोड ये निकला है हमारे पास, इसी तरह के मुकम्मल आपके पास स्टिकर निकल आएंगे, तो वो स्टिकर आप आइटम पर लगा सकते हैं, ठीक है जी, ये देखें मुख्य स्टिकर्स हैं, तो आप बटन में लगाकर अपने काम को मजीद आसान बना सकते हैं। सेल रिटर्न है, कोटेशन एस्टिमेट को कोई आपको कस्टमर कहता है, कोई दुकानदार कहता है मुझे एस्टिमेट बिल बना के सेंड करने पहले क्या क्या चीज़ें आप मुझे किस रेट पे देंगे, आप उसको उसका एस्टिमेट बिल बना सकते हैं, उस बिल को बाद में सेल में भी कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं, रिकवरी कस्टमर से उधार खाता वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, जो भी परचेजिंग वगैरह है किसी भी परचेजिंग को व्यू कर सकते हैं, मैंने क्या परचेजिंग किया था रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है जी, मुकम्मल कंट्रोल आपके पास मौजूद है, आपके होलसेल आपकी रिटेल बिजनेस के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, और इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी नया फीचर आता है हम कस्टमर को फ्री दे रहे हैं, बग्स है कोई भी इशू आता है हम फ्री सोल्व करके देंगे आपको, ठीक है जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएंगे आपको, तो आज ही हमसे रब्ता करें, आपको नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है, अपने काम को आसान बनाएं, और किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स का बिजनेस आपका, ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी, मुकम्मल सिक्योर सिस्टम है, बैकअप सिस्टम मौजूद है इसमें मुकम्मल, आपको E2G सिस्टम मिलेगा, इजी टू यूज़ है, ठीक है, आप इजीली इसको इजीली आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़र्स कंट्रोल मुकम्मल होगा, ठीक है, किसी भी देखिए एडमिन यूज़र है, मैंने किसी भी अपने मर्जी से अपना बंदा अली है जो भी है बंदे बना लूँगा, उनको मैंने जो भी परमिशन असाइन करनी है वो देखिए मेरे पास मुकम्मल कंट्रोल है। फर्ज करें मैं किसी को कहता हूँ कि मुझे किसी कोई मेरा कैश शेयर या मैक्स इस तरह डिस्काउंट ना दे पाए, कोई वो सेल रिपोर्ट ना चेक कर पाए, मुकम्मल मेरे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं मेरे पास, ठीक है जी, तो आज ही आपको नंबर शो रहा होगा, हमसे रब्ता करें, आपको सिस्टम को कंप्यूटराइज करवाएं, मजीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके पास नंबर शो रहा है, आप रब्ता करें, ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।